नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। हेमनाथ झा का 36 वर्षों के सेवा के बाद बिना सम्मान के सेवानिवृत्त होना गृह रक्षक विभाग की अनदेखी। आज 36 साल के लंबी सेवा के बाद होमगार्ड जवान हेमनाथ झा गृह रक्षक के पद से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनके रिटायरमेंट के मौके पर हाथ में सिर्फ मिठाई का एक डब्बा था और विभाग की ओर से कोई औपचारिक सम्मान या विदाई का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसा व्यवहार कोई पहली बार नहीं है। झारखंड गृह रक्षक विभाग में सेवानिवृत्त हो रहे होमगार्ड जवानों को ना पेंशन मिलती है, ना प्रोविडेंट फंड और ना ही कोई अन्य रिटायरमेंट लाभ दिए जाते हैं। ये विभाग की पुरानी समस्या है जिसे सरकार द्वारा अब तक अनदेखा किया गया है। सेवानिवृत्त के दिन झाजी को उनके सहयोगियों ने फूलमाला पहनाकर और शाल उड़ाकर विदाई दी। मिठाई खिलाकर विदा करने के अलावा विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की सुविधा या सम्मान नहीं दिया गया। एक सदस्य ने बताया कि बिहार और अन्य राज्यों में होमगार्ड जवानों को रिटायरमेंट के समय कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन झारखंड में अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने मांग की है कि झारखंड गृह रक्षी वाहिनी के जवानों को भी समान सुविधाएं और सम्मान मिलना चाहिए ताकि उनके साथ हो रही दुर्दशा का अंत हो सके। उनके साथियों ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि इतना लंबा सेवा के बाद भी सम्मान का अभाव विभाग की नीतियों पर सवाल उठाता है। हेमनाथ झा की विदाई का ये दृश्य विभाग में सुधार की जरूरत को साफ तौर पर रेखांकित करता है। क्या सरकार और विभाग झारखंड के होमगार्ड जवानों की समस्या को सुनेगा? क्या रिटायरमेंट के बाद उन्हें उनका हक मिलेगा? ऐसे ही सवालों के जवाब का इंतजार हर होमगार्ड जवान को है। क्या कहना चाहेंगे, देखिए होमगार्ड का बहाली से लेके रिटायरमेंट तक हम तो बोलेंगे इस विभाग में दुर्दशा और बड़ी विडम्बना है। आज हमारे विभाग में कितने लोग रिटायर हो गए, ना पीएफ का सुविधा है, ना कोई सुविधा है, ना रिटायरमेंट पे कोई सरकार द्वारा एक निश्चित निर्धारित राशि वो भी नहीं दिया जाता। जैसे राजस्थान में सुविधा है, हमारे बिहार में सुविधा है, हमारे छत्तीसगढ़ में सुविधा है और हमारे DGP महोदय के द्वारा भी प्रयास किया गया, सरकार से पत्राचार किया गया और लेकिन हमारी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी विडम्बना। होमगार्ड जवान 40 साल 45 साल आज हमारे झांजी हमारे बीच में है, जो आज 36 साल नौकरी करके इस विभाग से रिटायरमेंट होने जा रहे हैं और कल दिनांक कितना 26 कल दिनांक 26 को इनका रिटायरमेंट हुआ। लेकिन विडम्बना देखिए, हमारे ऑफिस का भी, ये मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई होमगार्ड रिटायरमेंट होता कम से कम एक अंग वस्त्र दे के उसको सम्मानित करना चाहिए। ये काम हमारे विभाग में हमारे पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता, ये मेरा स्पष्ट आरोप। कितने जवान रिटायर होते हैं? आखिर होमगार्ड जवान किसी विभाग में नौकरी करता है ना जी? समय धूप छाँव कुछ नहीं बर्दाश्त करता। जैसे ड्यूटी इमरजेंसी हो, विधि व्यवस्था हो, सेमी परमानेंट ड्यूटी हो, अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा पूर्वक करता, लेकिन मिलता क्या है? आज खाली हाथ जा रहा है। ये 36 साल की सेवा में क्या प्राप्त हुआ होमगार्ड जवान? और छत्तीसगढ़ जैसा राज, वहाँ 80,000 रुपया से आज 1.5 लाख रुपया मिला और भी बढ़ोतरी होने का वहाँ लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उसी तर्ज पे हमारा बिहार को मिला, उसी तर्ज पे राजस्थान को मिला। तो अन्य स्टेट में जब 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, तो कम से कम झारखंड में भी जो भी जवान रिटायर के कागार पे हैं या हो चुके हैं, मेरा सरकार से और हमारे विभाग से अनुरोध होगा कि रिटायरमेंट वाले होमगार्ड जवानों को कम से कम छत्तीसगढ़ की तर्ज पे 1.5 लाख रुपया जो सम्मानित राशि रिटायरमेंट के समय दी जाती है, वह राशि तो प्राप्त हो, कम से कम वह जवान अपना सूखा दाल रोटी और अपना परिवार चला सके, यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय होमगार्ड। लेकिन बहुत दुख की बात है कि होमगार्ड को कुछ मिलता नहीं। ये हमेशा मेरे को ही क्या, पूरे समाज के लिए एक कलंक है हमारे विभाग कि होमगार्ड जो स्वयं सेवक हम लोग कहला रहे हैं, उसको कुछ प्राप्त नहीं। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाए धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वाइज एग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारे एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर, शॉप नंबर 3,
सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।